नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे टाटा सिग्ना 2823 के मिक्सचर आरएमसी के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस ट्रक के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और क्या कुछ इसकी कैपेसिटी है, कितना बड़ा इसके अंदर आपको इंजन मिलता है, कैसा गेयरबॉक्स मिलता है, क्या इसकी कीमत है। सारी बातें हम यहाँ पर डिटेल में कवर करने वाले हैं। आपने देखा होगा, ज़्यादातर जितनी भी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम को जल्दी जल्दी वहाँ पर ख़त्म करते हैं। इसके अंदर आपको मिलता है 5.6 लीटर का BS6 डीजल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 230 BHP की पावर, 850 NM का टॉर्क। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंजन आपको इसके अंदर मिलता है और आप फ्रंट प्रोफाइल से यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रंट में यहाँ पे आपको ऊपर एक बहुत बड़े साइज़ की जो विंडशील्ड है वो दी गई है, और फ्रंट में आपको दोनों साइड जो मिरर्स हैं वो दिए गए हैं ताकि आप एक ब्लाइंड स्पॉट जो है वो पहचान सकें, और सेंटर में भी आपको एक ब्लाइंड स्पॉट जो मिरर है वो दिया गया है। यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल आपको टाटा का एक बहुत बड़ा लोगो देखने को मिलता है। फ्रंट में यहाँ पे आपको इसके अंदर देखने को मिलती है काफ़ी बड़े साइज़ की हेलोजन हेडलाइट्स, और फ्रंट बम्पर आप यहाँ पे देख सकते हैं तीन पार्ट्स में यहाँ पे जो फ्रंट का बम्पर है वो डिवाइड किया गया है, ताकि अगर आपको कोई भी पार्ट चेंज कराना हो तो ईजिली आप उसको करा सकें। नीचे की साइड भी आपको एक एक्स्ट्रा जो बम्पर है वो दिया गया है, ताकि कोई चीज़ आसानी से छोटी मोटी इसके नीचे ना आ जाए, कोई डैमेज ना हो किसी भी तरीके का। साइड प्रोफाइल से आप यहाँ पे देख सकते हैं 2823 के की जो ब्रांडिंग है वो की गई है, और ये है इसका फ्रंट का टायर। 10 टायर इसके अंदर आपको टोटल देखने को मिलते हैं, देख सकते हैं पीछे यहाँ पे चार टायर, चार और फिर यहाँ पे आगे की तरफ दो। जो इसका टायर साइज़ है वो है 295x95D20, और देख सकते हैं कितने बड़े साइज़ का जो टायर है वो यहाँ पे दिया गया है। फेंडर पे यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलता है, और यहाँ पे जो एयर फिल्टर है वो दिया गया है। ये इसका डीजल टैंक है, जो कि आपका 300 लीटर्स का डीजल टैंक है, और यहाँ पे दूसरे साइड में आपको दिया गया है एक 60 लीटर्स का यूरिया टैंक। खास बात ये है कि इसके अंदर से आपका कोई भी डीजल जो है वो चोरी नहीं कर सकता, ये लॉक्ड यहाँ पे है, और ना ही इसमें यहाँ पे कोई इसका जो यूरिया वगैरह है उसको चुरा सकता है। ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे थेफ्ट से बचाई जा सकती हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे दिए गए हैं जो मैं आपको इंटीरियर में चल के दिखाने वाला हूँ। पुटवाइज़र जो है वो यहाँ पे इसके अंदर दिया गया है, और ये है इसका टैंक जिसके अंदर आप अपना RCC का या कोई भी काम करवाते हैं। 7 क्यूबिक मीटर की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे इसकी दी गई है। अब ये टैंक रोटेट करता है, तो उस टाइम पे इसका ये इंजन इसको यहाँ पे रोटेट करता है, एक अलग से इंजन यहाँ पे दिया गया है, और जब ये फ्यूल लेता है तो वो इसी टैंक से यहाँ पे जो फ्यूल है वो लेता है। और ये एक अच्छी चीज़ है कि अलग से इसके अंदर दो दो डीजल टैंक नहीं दिए गए, और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे काम भी करता है। और जो रियर में आपको टायर मिलते हैं, सेम साइज़ के आपको टायर मिलते हैं, 295x95D20। सेम ही आपको पीछे के जो टायर्स हैं वो दिए गए हैं, और यहाँ पे येलो कलर की आपको 3M की जो टेपिंग है वो दी गई है, ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो, रात के टाइम ये यहाँ पे चमकती रहें, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। पीछे से देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसकी हाइट यहाँ पे है, यानी कि अगर आप वीडियो में समझ सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, लगभग 15 फीट के आसपास इसकी पीछे से हाइट यहाँ पे देखने को मिलती है। और रियर में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टेल लाइट्स हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, LED टेल लाइट्स यहाँ पे आपको रियर में मिलती है विद गार्ड, और दोनों साइड ये दी गई है। और पीछे आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो इसके अंदर आपको सस्पेंशंस दिए गए हैं, लीफ स्प्रिंग इलेक्ट्रिकल जो सस्पेंशंस हैं वही आपको यहाँ पे इसके अंदर फ्रंट में और वही आपको रियर में देखने को मिलते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल है, यहाँ पे आपको इसकी जो बैटरी है वो देखने को मिलती है, और यहीं पे जो इसका स्पेयर व्हील है यानी कि इसकी स्टपनी वो लगाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो निप्पल है वो दिया गया है, पानी इसके अंदर यहीं से आप पहुँचा सकते हैं। ग्रॉस वेट है इस व्हीकल का वो है 28,000 kg, 28,000 किलो इसका ग्रॉस वेट जो है वो यहाँ पे ऑफर किया गया है। 6-speed गेयरबॉक्स के साथ ये आता है। तो ये सभी फीचर्स थे इसके एक्सटीरियर के। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ और आपको दिखाता हूँ कि इंटीरियर के अंदर आपको टाटा सिग्ना 2823 के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो ये है इसका यहाँ पर ड्राइवर साइड डोर, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हाइट पर यह डोर है। यहाँ पर आपको जो डोर ओपन करने के लिए यहाँ पे ये दिया गया है, इससे आप इसकी जो विंडो है वो रोल डाउन कर सकते हैं, रोल अप कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको दिया गया है कुछ स्पेस जिसके अंदर आप अपना कोई भी सामान वगैरह रख सकते हैं। और यहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो ड्राइवर साइड सीट है, इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये काफ़ी बेहतरीन फीचर यहाँ पे दिया गया है। और जो कमर का रिक्लाइन एंगल है वो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और एक सबसे खास चीज़ ये कि जब आप इसको चलाते हैं तो वेट के अकॉर्डिंग जो सीट है इसकी हाइड्रोलिक सीट है, ये आप देख सकते हैं ऊपर नीचे ही अपने वेट के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाती है। तो अभी आ चुका हूँ मैं इसके ट्रक के इंटीरियर में, और आप सबसे पहले इसके स्टेयरिंग देखिए, टिल्ट एडजस्टेबल ये स्टेयरिंग है, और
यहाँ पे इसकी दी गई है MID डिस्प्ले। MID डिस्प्ले में आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे दिया गया है RPM मीटर, नीचे टेम्परेचर मीटर, और ये इसका स्पीडोमीटर यहाँ पे दिया गया है, नीचे फ्यूल मीटर, और सेंटर में आपको दी गई है एक डिजिटल डिस्प्ले जिसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप इसके अंदर देख सकते हैं। काफ़ी सारी जानकारी इसके अंदर आपको मिलती है कि कितना ये चल चुका है, ट्रिप ए कितनी है, और ट्रिप बी देखने का जो ऑप्शन है वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ से इसकी आप ट्रिप बी भी देख सकते हैं और ये इसकी ट्रिप ए है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे ये दिखाता है। और अभी इसको फ़िलहाल करते हैं ऑफ़ और बात करते हैं कुछ और फीचर्स के बारे में। और यहाँ पे आपको इसका दिया गया है डैशबोर्ड जो ड्राइवर के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे दिया गया है, और ये थोड़ा सा बिल्कुल आप देख सकते हैं इस हिसाब से दिया गया है ताकि अगर ड्राइवर ड्राइव भी इसको कर रहा है या कहीं पे ये खड़ा है यूज़ कर रहा है तो टिल्ट ये दिया गया है। ये इसके फ़ैन की यहाँ पे आपको स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हैजार्ड लाइट का बटन यहाँ पे आपको दिया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप लाइट चला रहे हैं प्लेन रोड पे तो इसका आप यूज़ करेंगे बटन का, अगर आप कोई फ्लाईओवर वगैरह चढ़ रहे हैं तब आप मीडियम पे जाएंगे, और अगर आप पहाड़ों की तरफ इसको चला रहे हैं तब आप इस बटन का यूज़ करेंगे यहाँ पे। और ये यहाँ पे आपको एक लाइट दी गई है जो कि इंजन के नीचे इसकी लाइट ऑन होती है, और यहाँ पे आपको एक हेल्प का बटन दिया गया है यानी कि SOS आप इसको कह सकते हैं। दो यहाँ पे आपको दिए गए हैं USB पोर्ट, और ये इसके जो हवा के वेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, एक आपको उस तरफ दिया गया है, दो यहाँ सेंटर में, एक यहाँ पे, और एक ड्राइवर के बिल्कुल राइट हैंड साइड में। और यहाँ पे आपको दिया गया है नीचे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पे आपको दिए गए हैं इसके लाइट्स के कंट्रोल, आप यहाँ से इसके इंडिकेटर वगैरह जो है वो सब ऑन कर सकते हैं। वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे जैसे नॉर्मल गाड़ियों में या ट्रक में दी जाती हैं वो उसी तरीके से दी गई हैं। खास बात ये है कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं वैनिटी जो है वो कितने बड़े साइज़ की यहाँ पे आपको इसके अंदर दी गई है, और उससे भी खास चीज़ ये कि ऊपर की साइज़ यहाँ पे इनके अंदर जो इसको आप ग्लोब बॉक्स ही कह सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो दिया गया है जिसके अंदर आप अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। और ऊपर रूफ में यहाँ पे दी गई है LED लाइट, और यहाँ पे भी आप सेंटर में भी सामान रख सकते हैं बड़ा एरिया, और सेम उसी तरीके से आपको वहाँ पे भी ग्लोब बॉक्स जो है वो दिया गया है, स्पीकर का स्पेस दिया गया है, यहाँ पे फिक्स आपको ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, ऊपर रूफ में दी गई है लाइट, और यहाँ पे भी आपको स्पीकर जो स्पेस है वो दिया गया है, और एक आपको यहाँ पे सीट दी गई है, और सेंटर में यहाँ पे भी बैठने की जो जगह है वो दी गई है। और आपने देखा भी है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में यहाँ पे दिया गया है, और इस तरीके से आप इसका रिवर्स गियर जो है वो लगा सकते हैं। तो ये सभी जानकारी है इसके इंटीरियर से रिलेटेड। अभी चलते हैं बाहर की तरफ और बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में, करते हैं कीमत के बारे में। कीमत जो है इसकी गाजियाबाद UP के अंदर ऑन रोड जो है वो अप्रोक्स 42 लाख रुपीज़ है, यानी कि 42 लाख रुपये के आसपास आपको यहाँ पे टाटा सिग्ना 28-23 के जो है वो मिक्सचर में यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि 7 क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी के साथ यहाँ पे आता है। इंजन बहुत ज़्यादा पावरफुल इसके अंदर दिया गया है, और अगर आप इसकी सर्विस करवाना चाहते हैं तो इसका इंजन ऑयल जो चेंज होता है वो होता है 1500 घंटे के बाद, यानी कि 1500 आवर्स के बाद। तो काफ़ी सारी बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर टाटा के सिग्ना 28-23 के मिक्सचर के अंदर जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। और कैसी लगी आपको ये वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कोई डाउट है तो आप वो भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में यही सब बातें थी दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।